ओए देख लिया तो ठीक है। चलो भैया स्पीक आ रहे ना वो आ रहा। देखिए भैया फोर्स क्या होता, तो मैंने आपको बताया था एक बारी, मैं इसको दोबारा रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि भैया चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इसको करने का बहुत कम मौका मिलेगा। ठीक है, तो भैया फोर्स क्या होता, तो मैंने आपको बताया था कि एक एजेंसी है जो कि किसी भी बॉडी की इनिशियल स्टेट को क्या करती है, चेंज कर देती है। बॉडी रेस्ट में है तो मोशन, मोशन में है तो रेस्ट में, सीधा चल रही है तो उसकी डायरेक्शन को क्या करेगी, चेंज कर देगी। तो वही लिखा हुआ है, फोर्स में भी डिफाइन एज द एजेंसी विच चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। फोर्स एक एजेंसी है जो कि बॉडी की स्टेट को क्या करता है भैया, चेंज कर देता, बॉडी के स्टेट को चेंज कर देता। ठीक है, या चेंज करने का प्रयास करता। अब ध्यान देखिए भैया, यहाँ पे लिखा इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के कुछ इफेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए भैया, फोर्स बॉडी की स्पीड को बढ़ा देता है या घटा देता है। फोर्स क्या करता है भैया, बॉडी की डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है। या फोर्स जो होता है बॉडी की शेप और साइज को भी क्या करता है, चेंज कर देता है। स्प्रिंग को खींच ले दो, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो, ठीक है, बॉडी की शेप और साइज क्या होगी, चेंज होगी, नहीं होगी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। भैया अगर मैं बात करूं तो फोर्स जो होता है ना, फोर्स जो होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव फोर्स का मीनिंग क्या होता है, जब दो बॉडीज के बीच में रिपल्सन होता है, दो चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है, दो मैग्नेटिक फोर्स के बीच में रिपल्सन होता है, तो उसको हम कहते हैं भैया पॉजिटिव फोर्स। क्या कहते हैं, और जहां पर भी अट्रैक्टिव फोर्स आ गया उसको हम क्या कहते हैं भैया, नेगेटिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेगेटिव फोर्स। तो ध्यान रखना फोर्स दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद है भैया लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या भैया, तो भैया लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि बॉडी कभी भी अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। स्टेट मतलब इनिशियल स्टेट। अगर बॉडी रेस्ट में तो वो मोशन में है तो सीधा चल रही है तो इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, उस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होता है जिसका खुद का मास क्या होता है, ज्यादा होता है। जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसका इनर्शिया, जिस बॉडी का मास कम उसका इनर्शिया, ठीक है भैया। और जिसका इनर्शिया ज्यादा तो वो ना तो जल्दी से रुकेगी, ना जल्दी चलेगी, ना जल्दी से अपनी डायरेक्शन को क्या करेगी, चेंज करेगी। जिसका मास ज्यादा, जिसका इनर्शिया ज्यादा, ना जल्दी, ना जल्दी, और सीधी चल रही है तो वो सीधी चलती रहेगी, डायरेक्शन को चेंज करोगे तो क्या करेगी, अपोज करेगी। ठीक है, बात करूं भैया तो यहां पे लिखा हुआ है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल बॉडी के। मटेरियल मतलब यहां पे आ जाएंगे, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे। ठीक है, इनर्शिया क्या है भैया, मटेरियल। मटेरियल मतलब कि जिसके पास मास हो, उस बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती। जिसके कारण अपने आप को, सॉरी, अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज, ठीक है भैया। अब आखिर बात करूं भैया इनर्शिया के टाइप, तो हमारे पास ये इनर्शिया तीन टाइप के होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, तो भैया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मीनिंग क्या है, एक बॉडी रेस्ट में तो वो हमेशा क्या होगी, रेस्ट में रहेगी, इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी क्या होगा, उतना ही। जिस बॉडी का मास कम उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने लिखवाए थे, किसका इनर्शिया, देखिए एक ट्रक है, ट्रक के रेस्ट में, ठीक है भैया। एक साइकिल क्या है, रेस्ट में। बताओ दोनों में से किसको चलाना आसान होगा, साइकिल को। रीजन क्या है, क्योंकि तो ट्रक का मास क्या है, उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कौन सा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा होगा। अब जिसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा होगा उसको चलाने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, वो बॉडी जल्दी से खुद ब खुद चल नहीं सकती। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल रखे हैं। ठीक है, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड देन बस सडनली स्टार्ट। तो भैया एक बंदा जो है वो बस में बैठा हुआ, खड़ा हुआ है, उसके अपर बॉडी का मास क्या है, ज्यादा, उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लोअर बॉडी का मास कम है, उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी क्या होगा, कम होगा। तो भैया लोअर बॉडी क्या करती है, बस के साथ जैसी बस चलती है तो लोअर बॉडी क्या होती है, मोशन में आती है, क्योंकि उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, कम है। जिसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट कम होगा तो जल्दी से क्या होगा, मोशन में आ जाएगा। अपर पार्ट का मास ज्यादा है, इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी क्या है, ज्यादा है, तो जल्दी से मोशन में नहीं आएगा, ये रह जाएगा पीछे, ओके चल नहीं रहा।
लोअर पार्ट क्या हो जाएगा, मोशन ब्रेक, और ये आगे निकल जाएगा, ठीक है। इसके कारण क्या होगी, आपकी बॉडी क्या होगी, या आप क्या होगे, पीछे की तरफ फिर जाओगे, ठीक है। फिर आता भैया आपका इनर्शिया, फिर आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, पता है भैया? जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा इसका इनर्शिया ऑफ मोशन भी क्या होगा, वो जल्दी से रुकेगी नहीं, ठीक है भैया। अब देखिए भैया, अगर बॉडी एक आगे हमें लिखा है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी भी मोशन में है तो अपने आप को मोशन में ही रखेगी, इसी को हम कहते हैं इनर्शिया मोशन कहते हैं। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होता है वो उतनी देर तक अपने आप को क्या करती है, मोशन में रख पाती है, जल्दी से रुकती नहीं है, इसे इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है भैया। एग्जाम्पल में मैंने बस मूविंग सडनली स्टॉप, तो हम क्या होते हैं भैया, आगे की तरफ उठ जाते हैं। रीजन क्या भैया, लोअर पार्ट का मास कम है उसका इनर्शिया कम है, अब इनर्शिया कम होने की वजह से जल्दी से क्या होता है, इनर्शिया मोशन भी कम होगा, वो जल्दी से क्या होगा, बस के साथ रुक जाएगा। लेकिन हमारे अपर पार्ट का मास क्या है, ज्यादा है, अपर पार्ट का मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये अपर पार्ट क्या है आपका, जल्दी से रुक नहीं पाएगा, क्योंकि इसका इनर्शिया मोशन क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए आगे चले आता है, हमारे पैर क्या रहते हैं, पीछे रह जाते हैं और हम आगे की तरफ गिर जाते हैं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखिए भैया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जल्दी से बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन मैं आपको एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब शेर खरगोश के पीछे भागता है तो खरगोश कभी सीधी लाइन में नहीं भागता है ना, चूहे के पीछे कोई चीज भागे तो चूहा कभी सीधी लाइन में नहीं भागता, वो टेढ़ा मेढ़ा भागता, पता क्यों? क्योंकि चूहे का मास क्या है, बहुत कम है, और शेर का मास क्या है, अब चूहे का मास कम है तो उसका इनर्शिया क्या होगा, कम होगा, वो जल्दी से रुक भी जाएगा, जल्दी से भाग भी लेगा, और जल्दी से अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज भी कर सकता है। लेकिन शेर के साथ समस्या यह है कि उसका मास क्या है, बहुत ज्यादा है, और जिसका मास ज्यादा होता है ना वो जल्दी से भाग पाता है, ना वो जल्दी से रुक पाता है, ना जल्दी से अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर पाता। अब इसी का फायदा उठाता कौन, चूहा। चूहा भाग नहीं सकता शेर के बराबर, चूहा तो आपसे भी तेज नहीं भाग सकता, क्योंकि तो चूहा जो होता है उसके पैरों की लंबाई 2-3 सेंटीमीटर होती है, अगर वो 1 सेकंड में 15 कदम भी रखे, हाँ तो 1 सेकंड में आप 15 कदम से ज्यादा रख दोगे एक पैर में, इसलिए आपकी टक्कर पे ले नहीं सकता। इसलिए चूहे के पास एक ट्रिक है, आपके शेर का मास ज्यादा है इसलिए जल्दी से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से ना तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर पाती है, ना अपनी स्पीड को चेंज कर पाएगी, ना अपने आप को रोक पाएगी, ना अपनी डायरेक्शन को चेंज कर पाएगी। इसी का फायदा उठा दो, चूहे का टेढ़ा मेढ़ा भागता है, टेढ़ा मेढ़ा भागता है, क्योंकि उसका मास कम है, वो जल्दी से अपनी स्पीड को डायरेक्शन को सब कुछ चेंज कर सकता है। लेकिन शेर के साथ ऐसा नहीं होता, वो ना तो जल्दी से अपनी स्पीड को चेंज कर पाता है, ना जल्दी से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर पाता है, और ये फायदा। और आपको बता दूं, 1000 में से केवल 1-2 बार ही शेर चूहे को पकड़ पाता है, वही आपको टीवी में दिखता है कि शेर ने चूहे को पकड़ लिया, समझ गए समझिए, बहुत रेयर चांस होते हैं शेर को पकड़ने, लेकिन फिर भी बेचारा स्ट्रगल करके पकड़ ही लेता है। 1000 चूहे पे अटैक करता है, खरगोश पे अटैक करता है, तो एक को तो पकड़ ही लेगा, समझ गए भैया? तो इनर्शियल डायरेक्शन समझ में आ गया भैया, कि भैया जिसका मास कम होता है जल्दी जल्दी से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, लेकिन जिसका मास ज्यादा होता है वो जल्दी से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इसी को हम कहते हैं भैया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा उसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी क्या होगा, उतना ज्यादा, और जिस बॉडी का इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ज्यादा होता है वो जल्दी से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाता, जिसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कम होगा वो जल्दी से अपनी डायरेक्शन को चेंज, किसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ज्यादा होगा, शेर का या चूहे का, किसका कम होगा, समझे भैया? आगे बढ़ते, फिर मैंने आपको बताया था भैया मोमेंटम, क्या बताया था, मोमेंटम। तो मैंने बताया था भैया मोमेंटम इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो उसके अंदर क्या आता है, मोमेंटम आता है, और वही मोमेंटम वाली बॉडी यदि किसी से टकराती है तो उसके ऊपर क्या लगाती है, फोर्स, यानी मोमेंटम फोर्स का इफेक्ट है और मोमेंटम का इफेक्ट कौन है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट है। फोर्स लगाओगे तो बॉडी के अंदर क्या आएगा, मोमेंटम, और मोमेंटम वाली बॉडी किसी बॉडी से टकराएगी तो उसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स, यानी फोर्स का इफेक्ट और मोमेंटम का इफेक्ट, समझ में बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो भैया। अब मैंने आपको बताया था भैया, जो आपका मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, याद है नहीं याद है? मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे कि भैया अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा कर दिया जाए, किसी बॉडी का मास बढ़ा दिया जाए, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, अगर कोई बॉडी किसी से टकराने पर ज्यादा फोर्स लगा रही है, इसका मतलब उसका मोमेंटम क्या है, अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर टकराने पर ज्यादा फोर्स लगा रही है तो इसका मतलब उसका मोमेंटम क्या है,
अब मोमेंटम ज्यादा है तो कैसे ज्यादा? देखो भैया, मैंने क्या किया कि मेरी रफ्तार 4 मीटर पर सेकंड है, एक दूसरा बच्चा उसकी रफ्तार 4 मीटर पर सेकंड है, लेकिन मेरा मास क्या है 60 किलो है, उसका मास क्या है 40 किलो। हम दोनों सेम रफ्तार से जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, कौन दीवार पे ज्यादा फोर्स लगाएगा? क्यों? क्योंकि मेरा मास क्या है ज्यादा। अगर मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं, इसका मतलब मेरे पास मोमेंटम क्या है ज्यादा। ठीक है, अगर बच्चा भी चाहे कि मेरे बराबर उसका मोमेंटम हो जाए मेरे बराबर, वो भी दीवार पर, तो क्या करना पड़ेगा? अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मास नहीं बढ़ा सकता भैया, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। यानी मोमेंटम क्या होता है? मास पे भी डिपेंड करता है और मोमेंटम वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। याद है नहीं याद है? तो भैया इन दोनों कंबाइन करके हमने एक फॉर्मूला निकाला था, आपको याद होगा कि जो आपका मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। याद है? अगर आप मास बढ़ा दोगे तो भी मोमेंटम बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो भी मोमेंटम बढ़ेगा। याद है? फिर मैंने इनके 3 ग्राफ बनाए थे, याद है? अगर आप मास बढ़ाओगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, तो उस केस में भी आपका ग्राफ कैसे आया था? स्ट्रेट लाइन आया, पीएम ग्राफ। और अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो भी मोमेंटम आपको बढ़ेगा, तो उस केस में भी आपका ग्राफ कैसे आया था? स्ट्रेट लाइन आया था। लेकिन अगर आप मोमेंटम देखेंगे, सुन लीजिए, मैंने कहा चूहे का मोमेंटम भी उतना ही है और हाथी का भी मोमेंटम उतना ही है, दोनों में अंतर क्या हुआ? चूहे का मास क्या है? कम है। तो चूहे को हाथी के बराबर मोमेंटम प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। यानी जिसका मास ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। हाथी का मास ज्यादा है, उसको चूहे के बराबर मोमेंटम गेन करने के लिए अपनी वेलोसिटी का करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा, तो उसका मास क्या है? बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर चूहे को हाथी के बराबर मोमेंटम चाहिए तो चूहे का मास कम है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन पड़ता है, अपनी स्पीड को क्या करे? बढ़ाना। ठीक है, क्रिकेट में क्या होता है कि दो तरह के बैट बैट आते हैं, एक बैट क्या होता है हल्का होता है, दूसरा बैट क्या होता है भारी होता है। ठीक है, जो हल्का बैट होता है उसका मास कम है। ठीक है भैया, तो अगर सिक्सर मारना है तो भैया वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी? बैट की बढ़ानी पड़ेगी, ताकि मास कम है वेलोसिटी बढ़े है, तो उसका मोमेंटम बढ़े है, और मोमेंटम ज्यादा रहेगा तो बॉल क्या होगी? बॉल के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा तो बॉल क्या होगी? शक्ति पा जाएगी। लेकिन जो बल्ला ऑलरेडी भारी है, ठीक है भैया, जो बल्ला ऑलरेडी भारी है उसका मास ज्यादा है, तो बैट्समैन को हल्की वेलोसिटी देगा, फिर भी क्या होगी? बॉल छक्के के पास चली जाएगी। आपने क्रिस गेल को देखा होगा, क्रिस गेल को, क्रिस गेल खड़े खड़े ऐसी ऐसी करता है टिक करके, और छक्का चला जाता है उसका। रीजन पता क्या? क्योंकि तो वो हफ्सी था, उसके हाथ ही क्या थे, 5 5 6 6 किलो के, एक एक साइड की कलाई थी उसकी। अगर वो धीरे से भी करता था तो क्या होता था? मास ज्यादा था, हल्की सी वेलोसिटी क्या करती थी, उसके छक्के देखते थे, वो मार के ना देखता भी नहीं था कि मुझे पता था भाई मेरा छक्का ही आ रहा है। ठीक है, समझ गए ना भैया? और वहीं पे मोहम्मद कैफ था, याद है आपको, आपने देखा भी होगा, ऐसा कक्कड़ दिखता, उसको वही शॉट मारने के लिए, पहली बात तो गेल जितना लंबा शॉट मारा नहीं उनने कभी, लेकिन अगर वो उतना ही लंबा मारना होता तो पूरी जान लगाता था, पूरी जान से बल्ला घुमाता था। ठीक है, तब जाके सीख जाता था। या आप नॉर्मली पतले बैट्समैन को देखो, देखते हो एबी डिविलियर्स को देखो, उसके बल्ले का जो वो होता था, क्या नाम है, जो रफ्तार होती थी काफी ज्यादा होती थी, क्योंकि उसकी बॉडी का मास उतना नहीं था, मास कम था, इसलिए उसको वेलोसिटी करनी पड़ती थी, बढ़ानी पड़ती थी। लेकिन एबी डिविलियर्स तो प्लेयर था भाई। ठीक है, और क्रिस गेल पता ही आपको। ठीक है, और एक रकीम कॉर्नीवाल है, रकीम कॉर्नीवाल है, मोटा सा एकदम सुअर है पूरा, 6 फुट 4 इंच का, वो वेस्ट इंडीज का प्लेयर है। ठीक है, उसमें खेलता है वेस्ट इंडीज लीग में। ठीक है, तो वो भी ऐसी है, सुअर सा हल्का सा करता है, छक्का ले आता है, समझ गए भैया? तो जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, तो मोमेंटम ज्यादा ग्रेड जाएगा। लेकिन जिस बंदे बैट्स प्लेयर का मास ही कम है, तो उसको अपनी वेलोसिटी बैट की स्पीड करनी पड़ती थी, बढ़ानी पड़ती थी, ताकि वो छक्का लगे, समझ गए ना? चलो ये आगे बढ़ते हैं, तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मोमेंटम। ठीक है, ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, कल मैंने बताया था। अच्छा, मैं दोबारा से आपको क्यों बता रहा हूँ पता? क्योंकि कई सारे बच्चे आए थे, कल आए थे, परसों नहीं आए थे, कल आए थे, ऐसे कर रहे, ये 2 3 दिन से ऐसे हो रहा, पढ़ाई सही से नहीं पा रही, तो इसलिए मैं आज वहां तक कोर्स पढ़ा दूंगा पूरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते भैया, बात करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अपने को पता है भैया, 3 लॉ है न्यूटन के। पहला लॉ क्या कहता है भैया? जब तक हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाते, तब तक बॉडी ना तो चलती है ना रुकती रुकती है, और अगर वो सीधा चल रही है तो सीधा चलती रहेगी, समझ गया? और सेकेंड लॉ कहता है भैया कि यदि आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो उस बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। क्या होगा? मोमेंटम ही पता लग जाएगा। खैर, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा सेकेंड लॉ के बारे में। थर्ड लॉ आपको पता ही है, एक्शन इक्वल्स टू में रिएक्शन। बस ध्यान रखना, दोनों बॉडी क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। सेम बॉडी के ऊपर एक्शन रिएक्शन कभी दिखता नहीं,
डिफरेंट बॉडी के अंदर ही क्या होता है, एक्शन रिएक्शन आपको विजिबल होगा दो अलग अलग बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो भैया बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। तो फर्स्ट लॉ कहता है भैया, फर्स्ट लॉ तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पहला पार्ट कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो कब तक ये स्टैंड इतने दिनों से रेस्ट में, ये मोशन में क्यों नहीं है, क्योंकि तो इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगता तो भैया क्या होता, मोशन में आ जाता। समझ गया कि जब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। सेकंड पार्ट कहता है यदि कोई बॉडी मोशन में आता तो वो क्या रहेगी मोशन में, कब तक, जब तक के ऊपर कोई उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। तो भैया अगर कोई बॉडी मोशन में है, मोशन में रहेगी, ये एग्जाम्पल आपको धरती पर देखने के लिए तो नहीं मिलता, कहाँ मिलता है, स्पेस में। स्पेस में जो भी कॉमेट्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट टाइम तक एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं, चलते रहते हैं। उनको वहां पर रोकने वाला और चलाने वाला कोई भी नहीं, वो अपने आप चलते रहते हैं। यानी वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो उनकी स्पीड को बढ़ाए, जो उनकी स्पीड को घटाए। तो अगर कोई बॉडी न्यूटन चाहते हैं भैया, अगर कोई बॉडी चल रही है वो चलती रहेगी तब जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगता। अब यहाँ पे आप देखोगे भैया, कोई किसी चीज को ऐसे फेंक दोगे वो थोड़ी दूर तक चल के क्या होती है, अपने आप रुक जाती है। आप कहते भैया फोर्स तो लगा ही नहीं, तो फिर रुक गई, बेटा लग रहा फोर्स वहां पर, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, लगता है और उसकी बॉडी, उस बॉडी के मोशन को रोक देता। यदि आप फ्रिक्शन फोर्स को हटा दो चलती रहेगी। अब इस चीज को किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने कहा भैया फ्रिक्शन अगर मैं कम कर दूं तो बॉडी जा रही है। उन्होंने क्या किया, एक रोलर लिया, उसको पहले नॉर्मल रोड पे छोड़ा, तो थोड़ी दूर जाकर रुक गया, क्योंकि तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा था। फिर वो उस चीज को लेके आया मार्बल पे, और मार्बल पे तो काफी दूर तक गया वो, इसका मतलब मार्बल में फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया था, तो उसका डिस्टेंस था बहुत दूर तक जाए। अगर उसको मैं जीरो कर दूं तो वो चीज कभी रुकेगी नहीं। यानी भैया अगर अगर फ्रिक्शन फोर्स हटा दिया जाए तो कोई बॉडी कभी भी जमीन पर भी रुकेगी नहीं। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई बॉडी चल रही है तो हमेशा क्या होगी, चलती रहेगी। समझ गया। तीसरा पार्ट कह रहा है कि भैया अगर कोई बॉडी सीधी लाइन में चल रही है तो वो सीधी लाइन में ही चलेगी, कब तक, जब तक कि दूसरा फोर्स आकर के उसकी डायरेक्शन को चेंज ना कर दे। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है भैया, लगातार बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करके उसकी पाथ को कैसे कर देता है, सर्कुलर। अगर जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स हटा दे तो उसकी डायरेक्शन का चेंज होना क्या हुआ, बंद रहेगा, और उसका पास सर्कुलर की जहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्या होगा, देखिए सूरज जो है वो धरती को पकड़ के रखा हुआ है, सूरज जो धरती के ऊपर फोर्स लगाता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसी पाथ फोर्स की वजह से धरती उस ऑर्बिट से निकलती नहीं है और चारों ओर घूमती रहती है। अगर मैं क्या करूँ, सूरज हटा दूँ तो धरती पर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, हट जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हट जाएगा। अब धरती सर्कुलर पाथ में नहीं, अब स्ट्रेट लाइन में भागेगी। अब अपनी डायरेक्शन को चेंज करना क्या करेगी, बंद कर देगी। डायरेक्शन को अगर चेंज नहीं करनी तो उसका पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। और डायरेक्शन को अगर चेंज करती रहेगी तो उसका पाथ कैसा रहेगा, सर्कुलर। समझ गए भैया। तो धरती के साथ यही है कि भैया धरती ने, धरती जो है वो सूरज के साथ क्या किया, बधी हुई है। और बधी हुई है तो भैया क्या हुआ, उसके ऊपर एक फोर्स लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो लगातार उसकी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जैसे मैं सेंट्रीपिटल फोर्स हटा दूंगा तो धरती का पास सर्कुलर नहीं, कैसा जाएगा, सीधा स्ट्रेट। समझ गए भैया। तो ये है तीसरा पार्ट। अब बात करते हैं भैया न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स। आपको पता है भैया फर्स्ट लॉ क्या कहता है, क्या कहता है फर्स्ट लॉ, यदि फोर्स लग गया तो सब चीजें चेंज आएंगी। तो मतलब फोर्स क्या है, एक एजेंसी है जो कि बॉडी की स्टेट को क्या करता है, चेंज कर देता है। फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स। फर्स्ट लॉ कहता है भैया ऐसी कौन सी चीज लगाऊं जिससे बॉडी की स्पीड डायरेक्शन चेंज हो जाए, क्या लगाओगे। समझ गया भैया। तो फोर्स ही तो पूछते हैं सवाल, फोर्स ही डिफाइन कर देता है भैया। फोर्स क्या है, एक एजेंसी है जो कि बॉडी की स्टेट को चेंज कर देता है, तीनों स्टेट को, रेस्ट में तो, मोशन में तो, सीधा चल रही है तो, डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है भैया, आगे आते भैया बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या करता दिया, इनर्शिया को ही बताता। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई बॉडी एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में रुकी है तो चल रही है तो, सीधी चल रही है तो, यानी कोई बॉडी अपने आप से अपनी स्टेट चेंज, यही लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहता है। कहता भैया अगर
बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है चलती रहेगी, सीधा चल रही है तो बॉडी अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। फर्स्ट लॉ भी तो यही कह रहा है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया कह रहा है, तो हैंस फर्स्ट लॉ डिफाइंड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल है तो भैया अपने पास इनर्शिया तीन टाइप की बताया ना भैया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? चेंज को अपोज करना। बॉडी का मास जिसका जितना मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, और जिसका इनर्शिया जितना ज्यादा होता है ना तो जल्दी से वो चलती है, ना जल्दी से वो ना अपनी डायरेक्शन को। तो पहला क्या करें भैया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है बॉडी रुकी हुई है, बॉडी क्या है उसके वक्त जो इनर्शिया होगा उसे क्या करेंगे, इनर्शिया। आप देखिए भैया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता, ध्यान दीजिए भैया, कि भैया बॉडी रुकी है तो उसका इनर्शिया बोलेगा भाई तू रुके रहा, तू मत चल, और अगर आप चलाने का प्रयास करोगे तो उसका इनर्शिया आपको क्या करेगा, अपोज करेगा, आपके अगेंस्ट फोर्स लगाएगा। ये बात ध्यान रखना, बॉडी का इनर्शिया आपके अगेंस्ट में हमेशा फोर्स लगाता है। ठीक है, तो बॉडी का इनर्शिया क्या है भैया, अभी बॉडी रुकी है तो उसके पास कौन सा इनर्शिया रहेगा, रेस्ट रहेगा। ठीक है, समझ गया। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास है, ठीक है भैया, कि एक घोड़ा जो है वो सडनली स्टार्ट करता है तो राइडर क्या होता है, पीछे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि भैया अपर पार्ट का मास क्या है भैया, ज्यादा है, उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो अपर पार्ट क्या होगा, रेस्ट में रहेगा, लोअर पार्ट क्या, घोड़े के साथ कॉन्टेक्ट में होने से आगे निकल जाएगा, और लोअर पार्ट आगे निकल गया, अपर पार्ट पीछे रह गया, तो भैया आप क्या होंगे, घोड़े से नीचे गिर जाओगे। ऐसे भी दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा भैया डस्ट, कार्पेट में जो डस्ट लगी होती है उसको पीट करके निकाला जाता है, बड़ा सिंपल सा रीजन है, डस्ट पार्टिकल के पास मास होता है, उनके पास इनर्शिया होगा, वो सब क्या है, डस्ट के अंदर रेस्ट की कंडीशन में ऐसे बैठे हुए, लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो डंडे से पीटते हो तो कार्पेट क्या होता है, कार्पेट जो होता है मोशन में आता है, वो आगे निकल जाता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल के पास इनर्शिया है, कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, वो वहीं पर रह जाते हैं, कार्पेट आगे निकल जाता है, डस्ट पार्टिकल वहीं पर रह जाता है, और जब कार्पेट आगे निकल गया, डस्ट पार्टिकल वहीं पर रह गए, तो डस्ट पार्टिकल कार्पेट से क्या हो गया, अलग हो गया, और कार्पेट क्या हो गया, साफ हो गया। समझ गए। अगला है भैया कॉइन वाला, देखा होगा आपने कॉइन, ऐसा कॉइन रखा होता है, ऐसा कॉइन रख दीजिए उसके ऊपर और ऐसा तेजी से खींच लीजिए, तो क्या होता है भैया, कॉइन नीचे गिर जाता है, लेकिन भैया क्या होता है, कार्ड आगे निकल जाता है, तो फिर कॉइन जो रेस्ट में था उसके पास कौन सा इनर्शिया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, दिख रहा है आपको मोबाइल मेरा रेस्ट में, इसके पास कौन सा इनर्शिया होगा, रेस्ट वाला होगा, ये रेस्ट में रहेगी, तो ये रेस्ट में रहेगी और ये कॉइन क्या होगी, ये गत्ता आगे निकल गया। ठीक है भैया, समझ गया। अगला इनर्शिया क्या कहता है भैया, अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, इनर्शिया बेस्ड ऑन मोशन। अब ये मोशन, कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास जो इनर्शिया रहेगा, कहेगा भैया तू मोशन में ही रह, तू रेस्ट में बता, क्योंकि इनर्शिया हमेशा क्या कहता है भैया, जो ऐसा तू है वैसा ही रह, चेंज मत। तो बॉडी किस में है, उसका इनर्शिया क्या बोलेगा, ट्रक का मास ज्यादा है, साइकिल का मास कम है, किसके इनर्शिया को किसको रोक दोगे आसानी से आप, क्यों, मास कम है, उसका इनर्शिया, ट्रक का मास, इनर्शिया, तो जिसका इनर्शिया ज्यादा होता है जल्दी नहीं रुकेगा, फिर ट्रक को आप आसानी से रोक नहीं सकते, उतनी रफ्तार से साइकिल आ रही है उतनी रफ्तार से आपका ट्रक आ रहा है, लेकिन आप ट्रक को नहीं रोक सकते, क्योंकि तो उसका इनर्शिया क्या है, कौन सा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया एक ही होता है, बस वो अलग अलग सिचुएशन में बन जाता है, दोगला बनता है, क्या है, दोगला बनता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो भैया वो इनर्शिया कैसा हो जाएगा, रेस्ट वाला हो जाएगा, मोशन में तो कैसा हो जाएगा, सीधा चल रहा तो इनर्शिया इज अ दोगला बंदा। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक सडनली चलती हुई बस रुक जाती है तो आप आगे की तरफ गिर जाते हैं, क्यों, सडनली चलती हुई बस है तो इनर्शिया भी क्या कर रहा है भैया, चलो हम भी मोशन में हो जाते हैं। ठीक है, हम मोशन में हो गए, एक बस रुक गई तो लोअर पार्ट बस में कॉन्टेक्ट में होने की से रुक गया, लेकिन अपर पार्ट क्या है, मोशन में अभी भी, तो आप क्या होगे, आगे जाओगे, क्योंकि उसका इनर्शिया, इनर्शिया तो नहीं आ रहा है, समझ गया। ऐसे क्या होता है भैया, पर्सन गेटिंग आउट में बस वही कह रहा है भैया, अगर पर्सन भैया चलती बस से उतर जाता है तो मुंह के बल गिरता है, क्यों, क्योंकि तो भैया जमीन के साथ जैसे उसके पैर आते तो वो रेस्ट में आते, लेकिन अपर पार्ट क्या रहता है, मोशन में रहता है, तो वो तो गिरना ही गिरना, उसकी नक्की पक्की टूटती ही टूटती, एथलीट फिनिशिंग लाइन कंप्लीट करने के बाद भी भागता रहता है, क्यों, क्योंकि भैया एथलीट को पता है भैया, अगर मैं रुक जाऊंगा तो भैया क्या होगा, मेरा लोअर पार्ट तो रेमी के साथ रेस्ट में, जमीन के साथ कांटेक्ट में, वो तो रेस्ट में आ जाएगा,
लेकिन अपर पार्ट क्या है, मोशन में ही रहेगा, ठीक है। इसलिए एथलीट क्या होता है, थोड़ी दूर भागता है, अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम करता है, ठीक है। इनर्शिया को प्यार समझाता हूँ, ठीक है। अगला क्या करें, ठीक है। अब देखिए, आपने कई बार सुना होगा, ये गाड़ी वाड़ी में ऐसे बॉल उछालो, आपके हाथ में आगे दिखती है, देखा। ऐसे गाड़ी चलती रहेगी, ट्रेन में चलती रहेगी, तो ऐसे बॉल उछालो, वो आपके हाथ में गिरेगी, क्यों? अरे भाई, गाड़ी तो चल रही है, बॉल रुकी हुई है आपके हाथ में, जब उछालोगे तो ये बॉल तो रुकी है ना, वो तो पीछे आनी चाहिए, आप गाड़ी के साथ आगे जाने। नहीं समझे मेरी बात को? आप गाड़ी में बैठे हुए हो, गाड़ी में बैठ करके बॉल को ऐसे उछाल रहे हो, वो बॉल बराबर आपके हाथ में आगे गिर रही है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि वो गाड़ी के साथ आप निकल जाओ, बॉल पीछे रह जाए? क्योंकि आपने तो बॉल को उछाल दिया ना। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बॉल भी कहां पर है, गाड़ी के अंदर। बॉल की रफ्तार और गाड़ी की रफ्तार सेम है, बॉल का इनर्शिया और गाड़ी का इनर्शिया क्या है, सेम है। जब आप बॉल को उछालोगे तो बॉल भी आपके साथ क्या होगी, गाड़ी की डायरेक्शन में ही क्या होगी, आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसके पास भी वही इनर्शिया है जो गाड़ी के पास इनर्शिया। इसलिए हमें बराबर क्या होती है, आपके हाथ में गिरती है। बाकी बॉल का पाथ उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, आपको पता है। जब आप बॉल को उछालते, देखो बॉल का पाथ होता कैसे, मान लीजिए आपने इस पॉइंट पर बॉल को उछाला, ऐसे करके आप यहाँ पे चलती गाड़ी में, तो आपने बॉल को इस तरीके से उठाला, तो जब आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका ना, तो आप आगे बढ़ गए बस के साथ। बॉल क्या करती है, ऐसे आती है। अगर आपने यहाँ पे एक्स डिस्टेंस कॉल किया, तो बॉल भी बराबर आपके हाथ में ही आके गिरेगी, समझ गए? क्योंकि बॉल भी उसी रफ्तार से चल रही है जिस रफ्तार से क्या हो रही है, गाड़ी जा रही है। गाड़ी टी टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बॉल भी क्या करेगी, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी और बराबर आपके हाथ में आगे गिरेगी। आपको ऐसे लगेगा उसका बात ऐसा है, जो बाहर से देखेगा ना उसको पता कैसे दिखेगा बॉल, आपको दिखेगी बॉल सीधी आ रही है, सीधी आ रही है, सीधी आ रही है, सीधी आ रही है, लेकिन जो बाहर बंदा रहेगा ना, उसको दिखेगा बॉल ऊपर जा रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे दिखेगा उसको, प्रोजेक्टाइल जानते ना, ऐसे आना, ऐसे आना। तो जो आप अंदर हो, आपकी मम्मी को भी आपके हाथ में बराबर बॉल दिखेगी, क्योंकि तो आपकी मम्मी भी गाड़ी के साथ और बॉल की रफ्तार में चल रही है, ठीक है। लेकिन जो बाहर बंदा रहेगा, उसको दिखेगा भैया बॉल जो कैसी मोशन कर रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन, समझ लो। तो ये भी आपका इनर्शिया मोशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आता भैया इनर्शिया डायरेक्शन हो गया। अब इनर्शिया क्या है, इनर्शिया डायरेक्शन, इनर्शिया डायरेक्शन का मैंने आपको बेस्ट एग्जाम्पल ये छूआ। अगर आपको आपका पूछा हाथी कर ले, मान लो तूने हाथी के हाथी केला खा रहा था, तूने उसका केला छीन के तूने खा लिया, क्या करेगी बता, हाथी तेरे पीछे पड़ गया, बता भैया क्या करे, तू क्या करे भैया, केला, हाँ क्यों? क्योंकि भैया अंशुमन का मास क्या है, बहुत ज्यादा है, और सौमित्र का मास क्या है, बहुत कम है। अंशुमन जिगजैग पाथ में नहीं भाग पाएगा, क्योंकि भैया इसका मास ज्यादा है, इसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है, कि ना तो जल्दी से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर पाएगा, ना अपनी स्पीड को चेंज कर पाएगा, ना जल्दी से रुक पाएगा, ना जल्दी से भाग पाएगा, ना जल्दी से डायरेक्शन को चेंज कर पाएगा। तो भी तेरा इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। मेरा इनर्शिया क्या है, कम है। मैं तेरे से पहले हर चीज को कर लूंगा, वो बात अलग है, तू पढ़ने में अच्छा निकल जाए तो मेरे से आगे निकल जाएगा, ठीक है। चलो भैया समझ गया, तो ये इनर्शिया डायरेक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर आते भैया न्यूटन के सेकेंड लॉ पे। देखिए भैया, सेकेंड लॉ थोड़ा सा अच्छा लॉ, ये बॉडी भी है अभी क्या रेस्ट में, ये जो मार, ये जितनी भी चीजें देख रहे हो आप टेबल पे, वो सब क्या रेस्ट में, क्या है, सबका मोमेंटम क्या हुआ, जीरो, क्या हुआ, लेकिन मैंने फोर्स लगा दिया तो सबके पास मोमेंटम आ गया, सबके पास क्या आ गया, यानी पहले मोमेंटम जीरो था, बाद में फोर्स लगाने पे मोमेंटम आ गया, यानी सबका मोमेंटम चेंज हुआ है, सबका मोमेंटम। और वो चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि तो मैंने फोर्स, मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, उठा दे, और दो बार सुन लियो, कैसी ही होती है, रूल होते हैं, ब्रेक करने की किताब होती है, ताकने के लिए बाद में दोबारा से कर लो बराबर, ठीक है। तो भैया देखिए, मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, इस हर उस बॉडी का मोमेंटम उतना ही ज्यादा क्या होगा, चेंज होगा, समझ गया। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू, अब देखिए, अब एक, अब आप आगे बोलेंगे, मैंने क्या किया, बड़ा कम फोर्स लगाया, कम लगा रहा हूं,
तो चीज बड़ी धीरे धीरे चल रही है, यानी इसका मोमेंटम बहुत स्लो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, यानी कम फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम के चेंज में टाइम क्या लगेगा, और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम के चेंज में क्या होगा, बहुत कम टाइम लगेगा। नहीं समझे, गाड़ी जो होती है रेलगाड़ी वो बड़ी स्लो, ठीक है, जो गाड़ी वगैरह होती है वो बड़ी स्लोली चलती है, जो रेलगाड़ी वगैरह होती है, समझ गया, उनका मोमेंटम बहुत स्लो चेंज होता है। ठीक है, खैर इसके बारे में मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा ये सेकंड लॉ बहुत छोटा है, लेकिन सेकंड लॉ से रिलेटेड टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं भैया। तो अगली क्लास में, मतलब कल की टाइमिंग आपको पता ही होगी, ठीक है भैया, अपने दो बैच होंगे, एक होगा 4 बजे, तो शाम वाला मैच तो थोड़ा मैं हो सकता है चेंज करूँ, लेकिन एक तो ऑस्ट्रेलिया वाला तो सेम टाइम पे हुआ, 7 नंबर वाला। ठीक है भैया, मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक यू ब्रो।